या साई, आज मैं आप सबसे एक ऐसा बाबा का चमत्कार बांट रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी एक बहुत प्रिय सहेली के साथ घटित हुआ था आज से कुछ 18 साल पहले, जो मेरी पहली पुस्तक आई, जो सबने बहुत सराहा, जिसको साई बाबा इज स्टिल अलाइव, उसमें ये कहानी जानी थी। मगर क्योंकि मुझे उसके पृष्ठ कम करने को कहा गया, उसके पेजेस को घटाने को कहा गया, क्योंकि वो बहुत मोटी बन रही थी किताब, तो कुछ कहानियां छूट गई। ये एक वो कहानी है जो लिखी रह गई पर किताब में कभी नहीं गई। और मैं कुछ दिन पहले इसको पढ़ रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो मेरा मन किया मैं आप सबसे ये बात दूं। ऐसा हुआ था कि मेरी सहेली जो है, बहुत प्रिय सहेली, बहुत बाबा को मानने वाली, उनका पूरा परिवार बाबा को बहुत मानता था, मानता है। इनफैक्ट जब मैं उनके घर गई, शिमला के रहने वाले हैं, जब मैं पहली बार उनके घर गई तो घर का नाम बाबा के नाम पर था। जैसे घर का दरवाजा खुला तो सामने बाबा का ये बड़ा लाइफ साइज, पूरा इतना बड़ा लाइफ साइज पेंटिंग बाबा की सामने थी, इतनी खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊं। और घर का हर मेंबर, हर शख्स बाबा से बहुत प्रेम करता था। अब उस समय मेरी सहेली की शादी हुई है, पुरानी बात है, उसकी शादी हो गई थी, और एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई थी जो फौज में देश के लिए सेवा कर रहे थे। और शादी थी, बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा था, पर शादी के कुछ साल होने के बाद भी उनका बच्चा नहीं हो रहा था, और इस बात से वो बहुत परेशान थी। कोई भी लड़की जब शादी करती है तो उसके अंदर माँ बनने की इच्छा बहुत जागृत होती है, और उसके अलावा उसके ऊपर जो फैमिली के प्रेशर्स थे, सब लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, आपको मालूम है कैसे होता है। तो वो बहुत परेशान थी, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी बेबी हो नहीं पा रहा था। उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 2 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला, और 2 साल कहने में आसान लगता है, आप सोचिए, 2 साल माने हर महीने का इंतजार, हर बार ट्रीटमेंट के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आनी हो वो इंतजार, और हर बार नेगेटिव। कितनी कोशिशों के बाद भी एक भी पॉजिटिव अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि मेरी जो सहेली है वो अंदर से टूटती जा रही थी। उनका जो एक हिम्मत बनाई हुई थी वो कहीं टूट रही थी। बाबा को वो बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा, और उसकी जो मम्मा है वो बाबा से इतनी जुड़ी हुई थी कि वो उसके लिए सच्चरित्र के पारायण पे पारायण करते जा रही थी। तो वो एक इतना खूबसूरत माहौल था, तकलीफ में भी, क्योंकि बीच में तकलीफ थी, पर वहां से आंटी के पारायण, यहां से मेरी सहेली का बाबा पे विश्वास कि मुझे पता है आप हो, आप सुन रहे हो, उदी का जल वो पीती थी। तो एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था, एक साइड थी जहां पे था कि कुछ हो नहीं रहा था, और दूसरा था कि एक अटूट विश्वास था कि कुछ तो अच्छा होगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल मैंने आपको कहा लंबा समय है, 2 साल में कहीं वो टूटने लगी थी, कहीं उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। और अब उसने 2 साल के बाद, मुझे याद है, कहा कि ये अब आखिरी टेस्ट है, अगर इसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई तो इसके बाद मैं ट्रीटमेंट बंद कर दूंगी, और इसके बाद अब मुझे नहीं कोशिश करनी, मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं, मुझसे नहीं होगा, अगर यही बाबा की मर्जी है कि इस जन्म में मेरे को ऐसे ही रहना है, निसंतान रहना है, तो यही मुझे मंजूर है, मगर मैं इसके बाद और अब ये तकलीफ नहीं सह सकती। हर बार ट्रीटमेंट का दर्द भी, उसके बाद इंतजार की तकलीफ, उसके बाद फिर नेगेटिव रिपोर्ट, ये मुझसे सहन नहीं होगा। आंटी कहीं ना कहीं तो समझ गई थी कि उनकी बेटी अब बहुत कमजोर पड़ गई है, उनका पारायण चल रहा था, और ये उस दिन की बात है कि अगले सुबह को वो टेस्ट होना था जिससे पता लगना था कि रिपोर्ट क्या है, और वो डिसीजन लिया जाता कि वो आगे ये करेगी नहीं करेगी। उस रात को आंटी पूरी रात नहीं सोई, और वो बाबा के सामने बैठे रहे और रोते रहे, और बाबा के चरणों को अपने आंसुओं से धोते रहे, और बस उनका नाम लेते रहे कि बाबा कुछ भी करो, ये रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गई तो मैं अपनी बेटी को मना नहीं पाऊंगी कोशिश भी करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी, वो बहुत टूट गई, आप कुछ करो। तो एक माँ का दिल है,
वो पूरी रात रोती रही उनके सामने। ये शिमला में हो रहा था। बैंगलोर में मेरी सहेली थी जहां उनके पति की पोस्टिंग हो रखी थी। वहां पर वो परेशान रात को, बहुत घबराई हुई रात को सोई कि क्या होने वाला है। बाबा को याद करके सोई कि बाबा अब जो है आपकी मर्जी है। तब उस रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा। सपने में उन्होंने ये देखा कि एक बहुत लंबी सड़क है, अंधेरा है, और वो उस सड़क पे अकेली चलती जा रही है। पर वो खुश थी, सपने में परेशान नहीं थी, खुश थी। चलती गई, चलती गए, चलते चलते सड़क का एंड आ गया, जहां सड़क खत्म होती है। वो खत्म कहाँ हुई, वो जाके एक बिल्डिंग की छत पर खत्म हुई। ऐसा सपना था कि छत पे जाके और सड़क खत्म हो गई। बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। जब मेरी सहेली ने देखा कि मैं आगे जाना चाहती हूँ, अब मैं कैसे जाऊं, ये तो इतनी ऊंची इमारत है, मुझे यहां से कूदना पड़ेगा नीचे, तो उसने डरते डरते घबराते घबराते नीचे को देखा। जब उसने नीचे देखा तो बहुत ही सुंदर बगीचा था, बागान थे, फूल ही फूल थे, खूबसूरत सी जगह थी। और वहां साइड में एक कोने में बाबा बैठे हुए थे और उनके सामने उनकी धुनी जल रही थी और बाबा उसमें लकड़ियां डाल रहे थे और आग सेक रहे थे। तब उसने ऊपर से बाबा को देखा। बाबा ने ऊपर देखे, मुस्कुरा के कहा, क्या कूदो? तो मेरी सहेली ने बाबा को देखा और बाबा को कहा, बाबा नहीं, अगर मैं कूद गई तो मैं मर जाऊंगी, ये तो बहुत ऊंची इमारत है। बाबा ने फिर मुस्कुरा के उसे देख के कहा, विश्वास है मुझ पर, तो फिर कूद जाओ। जैसे बाबा ने ये कहा, उसमें इतना प्रेम था, इतनी शक्ति थी, उसने मुस्कुराया और बोला, जी बाबा, और वो कूद गई। जैसे वो कूदी, उसका सपना खुल गया, आंखें खुल गई, सपना खत्म हो गया और वो उठ के बैठ गई। सुबह का वक्त था, हॉस्पिटल जाने का टाइम करीब था। उस समय उसने कहा कि उसके मन की स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। वो कहती है, जितना डर था इतने सालों का, जितनी तकलीफ थी, जितना एक स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, घबराहट थी, वो सब गायब था। वो कहती, मैं इतने विश्वास से उठी कि बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा इतनी बड़ी कूद लेने को कि विश्वास है तो कूद जाओ। वो जो बाबा पे उसने भरोसा दिखा के कूद लिया था ना, उस एक छलांग ने, उस एक जो, जिसे मैं इंग्लिश में लीप ऑफ फेथ कहती हूँ, आपने एक अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे जो भरोसा करके एक इतनी बड़ी छलांग लगा दी, तो वो आपको गिरने तो दे नहीं सकता। ईश्वर है आपका, बाबा है आपका। उसने उसके मानसिक स्थिति को बिल्कुल बदल दिया था। तो वो हॉस्पिटल तो जरूर गई उस दिन, पर उस दिन निडर होके गई कि जो भी बाबा करेंगे अच्छा करेंगे, अगर हाँ हुआ तो अच्छी बात है, अगर ना हुआ कोई बात नहीं, मेरे बाबा की मर्जी है तो भी अच्छी बात है, आज के बाद मैं रोऊंगी नहीं, मैं खुश हूं। वहां से उसकी मम्मी ने अपना पारायण पूरा किया। सुबह सुबह का वक्त था, वो हॉस्पिटल गई और मैं आपको अब बताऊं या आप समझ ही गए होंगे कि रिपोर्ट क्या आई थी। रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव आई, वो प्रेग्नेंट थी, कंसीव कर गई थी। और आपको मैंने कहानी के शुरू में बताया था कि ये 18 साल पुरानी बात है। वो जो गुड़िया दीपावली पे तब उसका जन्म हुआ था, आज वो 18 साल की हो चुकी है जब मैं ये कहानी आपसे सुना रही हूँ। और मेरे दिल में एक अजीब सी, ये बात करने में भी मैं समझा नहीं पाऊंगी मुझे कैसा व्यतीत हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, इमोशनल हो रही हूं, क्योंकि हमें ये समझना है कि बाबा हमेशा सुन रहे हैं, हमारी पुकार को हमेशा सुन रहे हैं। ऐसी कोई पुकार हमारी नहीं जिसमें विश्वास है और बाबा ना सुने। हाँ, अगर हम शंका कर रहे हैं, अगर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिर मैं आपको वादा नहीं करती कि आपकी बात बाबा तक पहुंचेगी कि नहीं। मगर जिसमें इतनी शक्ति है, जिसमें इतनी समझ बूझ है, जिसमें इतना विश्वास है कि वो लीप ऑफ फेथ, वो छलांग ले सके अपने बाबा के लिए कि बाबा मैंने आपके चरण पकड़ लिए, अब जो भी होगा मैं तो कूद रहा हूं, मैंने आपने आपको अपने चरणों में अर्पण कर दिया, उसके साथ केवल अच्छा और केवल अच्छा ही होगा, बाबा सुनेंगे ही सुनेंगे। हमारी सच्चरित्र में भी तो लिखा है कि एक आम के पेड़ के बारे में कि जो पत्ते झड़ जाते हैं आंधी तूफान से, वो तो झड़ ही जाते हैं, मगर जो पड़े रहते हैं वहां पे कि हम नहीं झड़ेंगे, वो क्या बन जाते हैं? वो फल बन जाते हैं। फल उन्हीं पे आता है जहां पे भरोसा होता है,
मेरी सहेली के जीवन में ये जो खुशी आई वो फलों से मिला, क्योंकि उसने भरोसा नहीं छोड़ा। उसकी मम्मी ने इतने पारायण इतने पाठ कर दिए, मेरी सहेली ने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि बाबा ऐसा नहीं होने वाला। 2 सालों में वो हमेशा कहती थी बाबा सुनेंगे, मुझे पता है बाबा सुनेंगे। उसने कभी बाबा पे सवाल नहीं किया, कभी बाबा पे विश्वास नहीं छोड़ा था। आखिर में जाके वो टूटने लगी थी, मैंने आपको बताया। तो जब हम अपने बाबा पे भरोसा रखते हैं, जब हम बाबा को पकड़ के चलते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो नहीं पूरी होगी। बस विश्वास नहीं छोड़ना। बाबा ने हमें सिखाया है ना श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा माने पूर्ण विश्वास कि बाबा है तो अच्छा ही होगा। सबूरी माने इंतजार करना, नहीं आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, मैं तो सबर कर रहा हूँ हो क्यों नहीं रहा, मैं तो सबर कर रहा हूँ 1 महीना हो गया, मैंने 2 साल से सबर किया हुआ है, ये सबर नहीं है। सबर माने बाबा आप जब दोगे दे देना, मैं इंतजार भी नहीं कर रहा, इसे सबर कहते हैं। सबर माने बिल्कुल बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर देना कि आप जो भी दोगे जब भी दोगे मैं तैयार हूं, नहीं भी दोगे तब भी मैं तैयार हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो बस याद रखना ये जो लीप ऑफ फेथ है, कि जो एक छलांग है, ये लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा हमें बहुत बहुत प्यार से और बहुत गौर से देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, देख रहे हैं हम में से कितने हैं जो विश्वास तोड़ देते हैं, कितने हैं जो भरोसा छोड़ के यहां वहां भागने लगते हैं, और कौन है जो पकड़ के रखते हैं थाम के बाबा को कि बाबा आप हो मेरे ईश्वर मेरे गुरु मेरे भगवान तो अच्छा ही होगा। अगर ऐसा आपका विश्वास है तो अच्छा ही होगा, पक्का 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 अच्छा ही होगा। ये हमें कभी भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते। बाबा है हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, हमारा सब कुछ है, सब कुछ माई बाप, हर चीज सिर्फ बाबा ही तो है। कोई भी सृष्टि में आपको छोड़ दे ये कभी नहीं छोड़ेंगे, बस ये भरोसा रखना सब अच्छा ही होगा। खुश रहिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद मैं भेजती हूँ बाबा की तरफ से भी, उनके चरणों से भी और अपनी तरफ से भी। यास आए या।